राम मंदिर में कल से प्राण प्रतिष्ठा की विशेष पूजा। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की प्रतिमा। पीएम समेत 5 प्रमुख लोग ही गर्भगृह में रहेंगे मौजूद। राम मंदिर उद्घाटन से पहले देश भर में उत्साह। चंडीगढ़ में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। हरिद्वार में निकाली गई प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। राजस्थान से थाली लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला को करेंगे अर्पित। लखनऊ से अयोध्या के बीच 19 जनवरी से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 30-40 मिनट में पूरी होगी यात्रा। अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं 13 लाख लड्डू। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बन रहा है प्रसाद। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में झड़प। दोनों के बीच जमकर हुई मारपीट। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के साथ झड़प पर अजय राय का बयान। कहा मामले की होनी चाहिए जांच। राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। अयोध्या में गिराई गई मस्जिद गुलामी का प्रतीक। वर्षों का सपना हो रहा है पूरा। स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देने के फैसले को दी चुनौती। शिंदे गुट ने भी खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले के खिलाफ दी याचिका। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मायावती का बड़ा ऐलान। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी पर भी साधा निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर सीधा वार। कहा गिरगिट की तरह बदल रहा है रंग। मायावती पर बीजेपी का पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य बोले यूपी की 80 सीटों पर खिलेगा कमल। लालू यादव के घर दही चूड़ा खाने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। महज 10 मिनट में ही लालू आवास पर रुके। 3 महीने बाद हुई मुलाकात। भारतीय सेना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह। बोले सेना के जवानों पर देश को गर्व। मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पहुंची राहुल की भारत जोड़ो नया यात्रा। कल नागालैंड से यात्रा करेंगे शुरू। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए हेमंत विश्व शर्मा। तमिलनाडु के मदुरै में जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। 2 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल। अटल सेतु पर उड़ी नियमों की धज्जियां। बैन के बावजूद भी दौड़ाया ऑटो रिक्शा। सेल्फी के चक्कर में लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। दिल्ली में कोहरे की वजह से विमान सेवा पर असर। आईजीआई एयरपोर्ट पर 165 उड़ानों पर असर। सुबह 10 बजे तक 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द। अहमदाबाद में कोहरे की वजह से फ्लाइट में देरी। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुरुग्राम में ठंड का प्रकोप। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। 380 तक पहुंचा AQI। राजस्थान के माउंट आबू में -3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। टेबल और कार की छतों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जंगल में लगी भीषण आग। दूर तक उड़ता दिया दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के सीतापुर में शुगर मिल में टैंक फटने से 3 लोगों की मौत। 5 से ज्यादा मजदूर घायल। बिहार के सासाराम में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। गायब बच्चे का शव मिलने के बाद गुस्साए यात्रियों ने की ग्रामीणों ने महिला को पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान के चुरू में नए बस स्टैंड के पास से बस चोरी। सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही है तलाश। धनबाद में ब्लास्टिंग का विरोध करने पर सीआईएसएफ के जवान ने ग्रामीणों पर तानी पिस्तौल। काफी देर तक हुई नोकझोंक। वीडियो वायरल। यूपी के जालौन में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के औरैया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से एक आरोपी घायल। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा में अवैध शराब के साथ 1 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 35 लाख बताई जा रही है शराब की कीमत। झांसी में शिव मंदिर के पुजारी की पत्थर से कुचलकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इजरायली बंदूकों का समर्थन करना फुटबॉल खिलाड़ी को पड़ा भारी। तुर्की ने
खिलाड़ी को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद किया रिहा। कर्नाटक के बल्लेबाज प्रखर चतुर्वेदी ने खेली ब्रायन लारा जैसी पारी, कूच बिहार ट्रॉफी में बनाए नाबाद 404 रन। देश में बड़ी थोक महंगाई दर 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर दिसंबर में 0.73% हुई, खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी का दिखा असर। बेहतरीन शुरुआत के साथ रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ शेयर बाजार, बीएसई सेंसेक्स ने 760 और एनएसई की निफ्टी में 203 अंकों की तेजी।